हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों का पोहा या लेफ्ट ओवर चपाती का पोहा। ये एक बहुत ही इजी और टेस्टी नाश्ता है, तो आप इसको बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। ये खाने में बहुत ही चटपटा लगता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। तो आइए देखते हैं कि बची हुई रोटी का पोहा या लेफ्ट ओवर चपाती का पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए ये बची हुई रोटियां। ये देखिए, ये मैंने 4 बची हुई रोटियां ली हैं। ये मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ी सी मटर ली है, क्योंकि ये मटर का सीजन नहीं है तो इसलिए मैंने फ्रोजन पी का यूज किया है। थोड़ा सा मैंने लगभग 2 चम्मच जो है वो भीगी चने की दाल ली है, ये आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लिया है मूंगफली, ग्राउंड नट या पीनट। ये मैंने लिए हैं 6 से 7 क्लोव्स लहसुन के, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। 1 हरी मिर्च ली है, मैंने बड़े साइज में काटा है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, जिससे वो मिर्च देख के निकाल सके। 1/2 टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है सरसों के दाने, आप चाहे तो छोटी वाली राई भी ले सकते हैं। थोड़ा सा करी पत्ता लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून हल्दी लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला। लेमन जूस लिया है मैंने, ताकि हमारा जो पोहा है वो चटपटा बने। थोड़ा सा लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर। धनिया पत्ता लिया है गार्निशिंग के लिए। और पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है ऑयल। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चपाती को लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और इसको हमें जो है वो मिक्सी में जो है वो चलाना है और थोड़ा जो है दरदरा जो है वो उसको पीस लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमने मिक्सी में जो है इसको बारीक कर लिया। बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं रखा है, हम थोड़ा जो है इसको बड़ा बड़ा रखा है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और ये जो हमारे पीनट्स थे, अब हम इसको जो है हल्का सा गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे। ये देखिए, ये हमने जो है ये ग्राउंड नट्स को रोस्ट कर लिया। अब हमने इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों दाना, ये क्रश्ड लहसुन, हरी मिर्च और करी पत्ते, और इसको अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से हो गया तो हम इसमें ये चना दाल डाल देंगे जो भीगा हुआ था, और हम इसमें अनियंस डाल के भी अनियंस को जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अनियन हमारे जल्दी कर जाए इसलिए हम स्वाद अनुसार नमक जो है वो इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे और अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अनियन जो है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये मैंने फ्रोजन पीस लिए थे वो भी हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि मैंने फ्रोजन मटर ली है तो ये ऑलरेडी काफ़ी गली हुई होती है, अगर आप फ्रेश लें तो इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक पका लें। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे ये जो हमारी क्रश जो है वो रोटियां थी, इसको हम ऐड कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, जिससे इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी चटपटा हो जाता है। साथ ही हम डालेंगे ये मूंगफली, और रोटियां चूंकि थोड़ी मॉइस्ट रहनी चाहिए इसलिए हम इस पर थोड़ा सा पानी जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे, इससे ये ड्राई नहीं होंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें खुशबू जो है वो अभी से बहुत अच्छी आने लगी है, तो इसको 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा पका लें ताकि बिल्कुल अच्छी जो है सोंधी सोंधी महक जो है वो आ जाए। ये देखिए, अब हम इसको जो है वो धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है आपकी लेफ्ट ओवर चपाती पोहा। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर दें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।